Greetings, 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. Today we are going to do next part of the chapter judiciary. And I hope last all parts are completely clear to all of you. It's going to be 7th part of the same chapter judiciary. In last class, we have started judicial activism. We have understood what is the meaning of judicial activism. Along with that, we have also understood what is the benefit of judicial activism, right? We have also understood what is the role of judicial activism in providing rights to those people who are not able to reach to judiciary, right? We have also understood some kind of early PILs. Okay, so till now we are able to understand that because some people are not able to go in the shelter of judiciary, so that's why PIL are important. PILs are important, right? Because it is enhancing the dignity of democracy, you can say. Right? Because those people who are not able to do something for themselves only, so on the behalf of those people, some other person can petition, can file a petition. Right? So, yahan tak hum logon ne last class mein discuss kiya tha. Let us discuss after that. अब देखो, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर एंड क्वालिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम दोज विच हैव हित हार्टो ऑक्यूपाइड द अटेंशन ऑफ द कोर्ट एंड द नीड आर डिफरेंट काइंड ऑफ जुडिशियल अप्रोच इफ वी ब्लाइंडली फॉलो द एडवर्जरियल प्रोसीजर इन देयर केस दे वुड नेवर बी एबल टू इन्फोर्स देयर फंडामेंटल राइट जस्टिस भगवती इन बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. बेसिकली ये स्टेटमेंट आपको क्या बता रही है, ये स्टेटमेंट आपको ये बता रही है बिकॉज पुअर पीपल आर देयर इन अवर सोसाइटी एंड दे आर हैविंग सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. तो और उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो हमारी सोसाइटी की अलग जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती है उनसे कहीं ना कहीं थोड़ी हटके होती हैं. एंड देयर शुड बी देयर इज द नीड फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ जुडिशियल अप्रोच फॉर दोज पीपल. अगर वो जुडिशियल अप्रोच डिफरेंट वे में उन लोगों के साथ, हम लोगों ने उनको उस अप्रोच के साथ डील नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में वो कभी भी एबल नहीं होते हैं फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने में. मतलब उनके लिए कुछ ऐसी आपको स्पेशल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी जिसकी वजह से उनके फंडामेंटल राइट्स एटलीस्ट उन लोगों को मिल जाए, राइट? सो अब एक्टिविटी में आपको ये दिया गया कि आपको कोई एक ऐसा केस जिसमें पीआईएल की वजह से ना पब्लिक इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इंश्योर हुआ है, वो आपको फाइंड आउट करना है. यू कैन फाइंड आउट, अ लॉट ऑफ केसेस आर देयर, है ना? कुछ तो हम लोगों ने कल ही डिस्कस किए थे. अब देखो, जुडिशियल एक्टिविज्म हैज हैड मैनी फोल्ड इंपैक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम, और इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है हमारी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम पे. इट हैज डेमोक्रेटाइज द जुडिशियल सिस्टम बाय गिविंग नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल बट ऑल्सो ग्रुप एक्सेस टू द कोर्ट. मतलब हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था कि पहले क्या सिनेरियो होता था 1970s के स्टार्टिंग तक, कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लोइटेशन हो तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, मेरे फंडामेंटल राइट का एक्सप्लोइटेशन हो तो मैं जाऊंगी, है ना? ये सिस्टम होता था. बट इन जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से क्या हुआ है, कहीं ना कहीं अब ऐसा सिस्टम है कि सिर्फ इंडिविजुअल नहीं बल्कि ग्रुप की एक्सेस हो गई है कोर्ट तक, है ना? क्योंकि ऐसे पीपल भी हैं जो इंडिविजुअली नहीं जा सकते बिकॉज दे आर नॉट हैविंग दैट टाइप ऑफ करेज, दे आर नॉट हैविंग दैट टाइप ऑफ नॉलेज कि उनको जाना चाहिए कोर्ट में. तो अब ग्रुप की भी कहीं ना कहीं एक्सेस इंश्योर हो गई है विद द हेल्प ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन द कोर्ट्स, राइट? इट हैज फोर्स्ड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, और इसने हमारी कंट्री में ना अकाउंटेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज कर दी हमारी एग्जीक्यूटिव की. अब देखो, वो सोचो क्यों, क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना शुरू कर देती है जुडिशरी, राइट? तो अब देखो, अगर हमारी एग्जीक्यूटिव ने मान लिया कोई ऐसा लॉ इंप्लीमेंट कर दिया जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, उसके राइट्स को एक्सप्लोइट करने वाला है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे पीआईएल हो जाएगी और उसके बिहाफ पे क्या हो जाएगा, जुडिशियरी एक्टिविस्ट एक्टिविज्म कहीं ना कहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी. और जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी तो इससे पहले कि वो कुछ ना कुछ अपनी जजमेंट दे, तो हमारी एग्जीक्यूटिव को पता है इस चीज का, बिकॉज जुडिशियल एक्टिविज्म इज देयर दैट इज एग्जिस्टिंग इन आर कंट्री, कि अगर एग्जीक्यूटिव ने प्रॉपरली वर्क नहीं किया तो फिर क्या होगा, जुडिशरी का इंटरफेरेंस होगा, है ना? और वो इंटरफेरेंस क्या करेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. इसीलिए इसने कहीं ना कहीं क्या किया, इसीलिए इसने हमारी एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया, राइट? इट हैज ऑल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू मेक द इलेक्टोरल सिस्टम मच मोर फ्री एंड फेयर.
इसके अलावा इसने क्या कर दिया, हमारी कंट्री के इलेक्टोरल सिस्टम को ज्यादा फ्री और फेयर बना दिया, है ना, क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो कहीं ना कहीं क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म एक एज अ टूल यूज हो रहा है ना, एज अ, और टूल किसके लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर एंड नीडी पीपल। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री का जुडिशियल सिस्टम क्या हो गया, ज्यादा फ्री और ज्यादा फेयर भी हो गया, क्योंकि अब जुडिशरी हर एरिया में कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कैपेबिलिटी रखती है, राइट। तो इसकी वजह से अब क्या है, हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारी लेजिस्लेचर जो भी एक्शंस लेंगी, वो सारे के सारे एक्शंस कैसे होंगे, वो सारे के सारे एक्शंस ऐसे होते हैं जो अपने सारे के सारे टास्क को कहीं ना कहीं फ्री और फेयर मैनर में करने की कोशिश करती है, राइट। द कोर्ट आस्क कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शन टू फाइल एफिडेविट्स इंक्लूडिंग देयर एसेट एंड इनकम अलोंग विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस सो दैट द पीपल कुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बेस्ड ऑन द एक्यूरेट नॉलेज। अब देखो जैसे हमारे, अब देखो कैसे हुआ फ्री और फेयर ज्यादा, पहले हमारे इलेक्शन कैंडिडेट में मान लिया कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होती थी जो हमारे कैंडिडेट्स जो हैं जो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं देने, लेकिन अब देखो इसकी प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसकी प्रॉब्लम ये होती थी कि कहीं ना कहीं लोगों को एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। मान लिया आपको वोट देनी है और आप जिस कैंडिडेट को वोट देने जा रहे हो आपके पास उसकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो अब क्या होता था, अब ये सिस्टम है कि अब बिकॉज विद द हेल्प ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इसने कहीं ना कहीं जुडिशरी के जब इंटरफेरेंस को ज्यादा इन्वॉल्व करवाया ना, तो अब जुडिशरी ने क्या बोला हुआ सारे के सारे कैंडिडेट्स को कि उनको एफिडेविट देने पड़ेंगे जिसमें उनको अपनी सारी की सारी एसेट, एसेट क्या होती है, संपत्ति, प्रॉपर्टी, जिसमें उनको अपनी पूरी जितनी प्रॉपर्टी उनके पास, इनकम क्या क्या उनके इनकम के सोर्सेज हैं, उसके अलावा क्या वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखते हैं, वो सब के बारे में उनको क्या प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, जो एफिडेविट, मतलब ये इन्फॉर्मेशन, यस दिस इज कंप्लीटली करेक्ट अबाउट माई सेल्फ, वो सारी चीजें। अगर वो चीजें गलत होती थी तो फिर हमने इलेक्शन कमीशन पढ़ा था ना, स्क्रूटनी होती है, याद आ रहा है हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन पढ़ा था कि जब नॉमिनेशन फॉर्म फिल होते तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का टास्क होता है उनकी स्क्रूटनी करना, और स्क्रूटनी के बाद फिर क्या होता है, जो पर्सन सही होते हैं उनके फॉर्म कहीं ना कहीं वैलिड हो जाते हैं, अदरवाइज फॉर्म इनवैलिड डिक्लेयर हो जाते हैं, मतलब वो लोग कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते हैं, राइट। तो और ऐसे देखो होता क्यों है, क्यों हम लोगों को ऐसी जरूरत है कि हम लोग उनके एफिडेविट लें, क्यों हमें ऐसी जरूरत है कि हम उन लोगों से कहीं ना कहीं वो सारी की सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं। तो अब देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा, हमें उनके बारे में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, और जब एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो इट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन और फॉर द स्पेशली इलेक्शन ऑफ दोज पीपल हु आर नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द कंट्री, राइट। तो ऐसा बेसिकली क्यों होता है, ताकि हम एक्चुअल में उन सही इन्फॉर्मेशन को गेन करें जो रियल है, और उसके बिहाफ पे हम बिल्कुल रैशनल होकर वोट करें, राइट। उसके अलावा देयर इज हाउएवर अ नेगेटिव साइड टू द लार्जर नंबर ऑफ पीआईएल्स एंड द आइडिया ऑफ प्रोएक्टिव जुडिशरी इन द फर्स्ट प्लेस इट हैज ओवरबर्डन द कोर्ट्स। अब देखो क्या हुआ था, पीआईएल का पॉजिटिव एस्पेक्ट तो आपने बहुत स्टडी कर लिए है ना, पीआईएल के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की नीडी लोगों के लिए बेनिफिशियल है, हमारी कंट्री के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जरूरी है, इसके अलावा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए जरूरी है, हमारी एग्जीक्यूटिव को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है इस दुनिया में जिसके सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और जिसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो ही ना, इट्स नेवर एवर पॉसिबल, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं है ना, तो सेम इसी तरीके से हर चीज के दो पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो जैसे पीआईएल के पॉजिटिव हैं तो वैसे नेगेटिव भी तो होंगे ना। तो देखो नेगेटिव में क्या है कि अब देखो जैसे नेगेटिव साइड क्या है कि बहुत सारी पीआईएल चली जाती हैं है ना, एंड द आइडिया ऑफ प्रोएक्टिव जुडिशरी क्या है कि हमारी जुडिशरी ना कहीं ना कहीं प्रोएक्टिव हो रही है। अब देखो मान लिया लेजिस्लेचर का हम लोगों ने काम क्या डिफाइन किया कि उसको लॉ बनाने हैं, एग्जीक्यूटिव को इंप्लीमेंट करना है, लेकिन जुडिशरी दोनों के एरियाज में कहीं ना कहीं प्रोएक्टिव वे में इंटरफेरेंस कर रही है ना, तो कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि हमारी कंट्री में ना कहीं जो इलेक्टेड पीपल है उनके इंपॉर्टेंस को डिक्रीज कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि हम लोगों ने तो इलेक्ट करके किसी और को एज अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया ना, बट कोई ऐसा पर्सन जिसको हमने इलेक्ट नहीं किया दैट इज जुडिशरी, वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे बिहाफ, वो जिनको हमने इलेक्ट भी नहीं किया ऐसे पर्सन जुडिशरी में, वो उन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं डिसीजंस इंपोज कर रहे हैं जो हमारी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं,
समझ आया? तो कहीं ना कहीं ये वाली जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट्स को कहीं ना कहीं सस्पेंशन में लेती है, सस्पेंशन में लेती है. फाइन, तो अब देखो इसने क्या कर दिया. इन द फर्स्ट प्लेस इट वॉज ओवरबर्डन द कोर्ट. कहीं ना कहीं अब देखो PIL, अब जैसे कोई नई चीज आती है तो उसका बहुत ज्यादा क्रेज होता है ना, तो सेम चीज यहां PILs के साथ भी है कि पहले जब PIL कोर्ट में पिटीशन के नाम पे जाना शुरू हुई, फाइल होना शुरू हुई, तो बहुत सारे लोगों ने इतनी सारी PIL डालना शुरू कर दी कि कोर्ट सारे के सारे ओवरबर्डन हो गए, उनके पास इतने सारे इश्यूज आना शुरू हो गए. सेकेंडली क्या होना शुरू हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म हैज ब्लर्ड द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑन द वन हैंड एंड द जुडिशरी ऑन द अदर हैंड. मतलब देखो क्या कि दोनों के बीच की जो लाइन थी ना कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और दूसरी तरफ एक जुडिशरी होती है, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बोथ आर क्लोजली इंटर रिलेटेड बिकॉज वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. आई थिंक अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो कैसे हमारी कंट्री की एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए, है ना. तो एक तो हमने क्या कर दिया, जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से क्या हुआ, वो लाइन जो थी ना सबके क्राइटेरिया के बीच में वो कहीं ना कहीं ब्लर हो गई है. क्यों? क्योंकि देखो एक तो हम लोगों ने मान लिया हमने पावर्स को डिवाइड कर दिया, अथॉरिटीज को डिवाइड कर दिया, दैट लेजिस्लेचर इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लॉ, एग्जीक्यूटिव फॉर देयर एग्जीक्यूशन एंड जुडिशरी फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन जब ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, कैसे वाली प्रॉब्लम हो रही है कि जुडिशरी की कहीं ना इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसने डिस्टिंक्शन की लाइन को कहीं ना कहीं ब्लर करके रख दिया. राइट, द कोर्ट हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन रिजॉल्विंग क्वेश्चन विच बिलोंग टू द एग्जीक्यूटिव. और ऐसे देखो इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है कि हमारा कोर्ट उन एरियाज में इंटरफेयर करा जो क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव से बिलोंग करते हैं और जबकि क्राइटेरिया डिफाइन है. राइट, अब देखो ये राइट साइड क्या लिखा हुआ है, आई थिंक जुडिशियल एक्टिविज्म इज मोर अबाउट टेलिंग द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव व्हाट दे शुड डू. व्हाट विल हैपन इफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव स्टार्ट गिविंग जस्टिस. मतलब देखो कहीं ना ये जुडिशियल एक्टिविज्म को क्रिटिसाइज करने का फैक्ट है. क्यों है? क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि देखो जुडिशियरी इंटरफेयर कर रही है लेजिस्लेचर के एरियाज में, एग्जीक्यूटिव के एरियाज में. यहां पर क्वेश्चन ये क्या हो अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर करना शुरू कर दें जुडिशियरी के एरिया में, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, है ना. जब आप सेकंड बुक पढ़ोगे ना उसमें आप थियरीज पढ़ोगे तो इसमें आप जस्टिस पढ़ोगे. जस्टिस में क्या होता है, बेसिकली जस्टिस यही होता है कि आप अपनी क्राइटेरिया के अंडर रह के वर्क करो. तो यहां पे जब हमने स्पेशली वर्क डिफाइन कर दिया, क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया, तो वहां पे फिर क्या इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट है. राइट, सो आई होप यहां तक आपको समझ आया. अब देखो फिर क्या है, यहां आपने क्या पढ़ा कि कहीं ना कहीं अब हमारे जो कोर्ट्स हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव के केसेस में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए. दस फॉर इंस्टेंस रिड्यूसिंग एयर और साउंड पोल्यूशन और इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन और ब्रिंगिंग अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म इज नॉट एग्जैक्टली द ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी. अब देखो कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे मान लिया रिड्यूसिंग एयर और साउंड पोल्यूशन, तो अगर मान लिया उसके रिलेटेड कोई लॉ बनाना है तो क्या होगा, उसके रिलेटेड कोई लॉ बनाना तो लेजिस्लेचर का काम है ना भाई, लेकिन जुडिशरी क्या करेगी, जुडिशरी इंटरफेयर कर रही है. देखो जैसे आप लोगों ने दिवाली के टाइम पे सुना होगा, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, आप लोग शाम को 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आप क्या कर सकते हो, क्रैकर बर्न कर सकते हो. सुनी होगी आपने स्टेटमेंट्स. अब देखो वो काम, क्योंकि वो एक टाइप से क्या बन रहा है, लॉ की तरह वो चीजें इंप्लीमेंट होंगी सोसाइटी में, लेकिन क्यों, क्योंकि वो जुडिशरी ने दिया तो आप उसको जुडिशियल एक्टिविज्म में रख सकते हो. राइट, जैसे मान लिया अगर एयर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, उसको अगर रिड्यूस करना है, इन्वेस्टिगेट करना करप्शन के केसेस को, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके सामने आना है, और ये क्या, ये एग्जैक्टली ड्यूटी नहीं है जुडिशरी की, ये एग्जैक्टली वो किसका है, ये वर्क होना चाहिए लेजिस्लेचर का या फिर एग्जीक्यूटिव का, है ना. सो दीज आर मैटर्स टू बी हैंडल्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ द लेजिस्लेचर. आप देखो ये वो मैटर है जिसको किसके क्राइटेरिया में होने चाहिए थे, जो क्राइटेरिया में होने चाहिए थे लेजिस्लेचर के, है ना, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होना चाहिए, और वो एडमिनिस्ट्रेशन किसके सुपरविजन में वर्क करता है, लेजिस्लेचर के सुपरविजन में. देयरफॉर सम पीपल फील दैट जुडिशियल एक्टिविज्म हैज मेड द बैलेंस अमंग द 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट वेरी डेलिकेट. अब देखो कई लोगों के दिमाग में क्या जाता है कि कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने पावर को डिवाइड किया था ना, अब उसकी वजह से जो हमारा जो सिस्टम है अब, बट जुडिशियल जो एक्टिविज्म उसने क्या कर दिया, उसने उन सारी की सारी चीजों को प्रॉब्लम में डाल दिया.
राइट, क्योंकि एक का काम जो है वो दूसरा कर रहा है, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं क्या कर दिया, हमारे सिस्टम को एक टाइप से ऐसा बना दिया, नाजुक जैसा, कमजोर जैसा, कि पहले देखो पहले आपने क्राइटेरिया डिफाइन कर दिए, बट अब आप उस पर स्टे नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं स्टे कर पा रहे हो? क्योंकि जुडिशरी को हमने कहीं ना कहीं एक्सेस पावर्स दे दिए, राइट। तो इसमें अगर आप इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में लिखते हो, तो नेगेटिव एस्पेक्ट में आप क्या लिख सकते हो कि कहीं ना कहीं जो चीजें हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट करी हैं, इसने उस बैलेंस को कहीं ना कहीं थोड़ा इम्बैलेंस्ड वे में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, कि क्योंकि जो हरेक वर्क, हरेक ग्रुप का वर्क है, उस वर्क में कहीं ना कहीं एक दूसरे ग्रुप का इंटरफेयर हो रहा है, राइट, एक दूसरे ऑर्गन का इंटरफेयर हो रहा है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन ईच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट रिस्पेक्टिंग द पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द अदर्स। अब देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, वो हर एक ऑर्गन पर डिपेंडेंट, हर एक ऑर्गन पर बेस्ड है ना, क्योंकि हर एक की अपनी पावर और ज्यूरिसडिक्शन है ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हमारी कंट्री में एक बड़ा अच्छा रूल है, चेक एंड बैलेंस, राइट, जो हमने कहां से लिया, यूएसए से लिया। तो जो चेक एंड बैलेंस की थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है कि हर एक के क्राइटेरिया हमने डिफाइन कर दिए, हर एक का ज्यूरिसडिक्शन हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन उस ज्यूरिसडिक्शन के साथ साथ हम लोगों ने क्या किया कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को रिस्पेक्ट भी करेगा, राइट, मतलब क्राइटेरिया डिफाइन है, एक दूसरे को कंट्रोल भी करेंगे बट एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करेंगे, राइट। बट जुडिशियल एक्टिविज्म क्या हो सकता है, मे बी क्रिएटिंग स्ट्रेन ऑन दिस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, लेकिन ये वाला जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है कि कोई एक दूसरे के क्राइटेरिया में इंटरफेयर नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं हमारा हर्ट हो रहा है बाय जुडिशियल एक्टिविज्म। आई होप जुडिशियल एक्टिविज्म आपको कंप्लीटली क्लियर है। देखो क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने, इफ वी आर गोइंग टू रिवाइज इट वन शॉट, और यू कैन से इन मेजर पॉइंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो देखो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी। पहले तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, कि जब एक्टिवली कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी इंटरफेयर करना शुरू कर देती है लेजिस्लेचर के एरियाज में या फिर एग्जीक्यूटिव के एरियाज में, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है, एक सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि कौन से ऑर्गन के पास कितनी पावर होनी चाहिए, राइट। लेकिन अब देखो क्या है, इसका बेनिफिट तो क्या हुआ, आपने पीआईएल की फॉर्म में देखा कि इसने कहीं ना कहीं जस्टिस तक पहुंच इंश्योर कर दी है, रीच इंश्योर कर दी है सारे के सारे सोशल ग्रुप्स की, नीडी ग्रुप्स की, रिक्वायर्ड ग्रुप्स की, राइट। और उसके अलावा क्या हुआ है कि जो लोग खुद के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, अब बिकॉज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म अब उनके बिहाफ पे कोई ना कोई और पर्सन है जो उनके नाम के लिए कोर्ट में जा रहा है। इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर लॉ हमारी जुडिशरी कहीं ना कहीं एक्टिवली फॉर्म कर रही है, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, और एक्टिवली वो ऐसे लॉज बन रहे हैं जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्लीन एयर हो गया, है ना, जो पर्सन के राइट हैं, राइट्स हैं, बट इवन देन लेजिस्लेचर कहीं ना कहीं उन काम को नहीं कर रही थी, तो हमारी जुडिशरी ने हमें वो चीजें इंश्योर करवाई हैं, प्रोवाइड करवाई है, राइट। बट दूसरी तरफ इसके सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं है, है ना, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा है। सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट तो क्या है कि हमने जब क्राइटेरिया डिफाइन कर दिए, हमने फंक्शंस डिफाइन कर दिए, तो फिर कैसे कोई एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के एरिया में इंटरफेयर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, बट जो हमारी जुडिशरी है वो क्या है, दैट इज नॉट इलेक्टेड, That is selected. समझ आया? और हमारी कंट्री बिकॉज वी आर हैविंग डेमोक्रेसी, और अगर वो डेमोक्रेसी है भी तो भी हमारी कंट्री में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट ऐसे में जो पर्सन हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके ऊपर किसी और ऑर्गन की सुपरमेसी एस्टैब्लिश हो रही है, वो किसकी, जुडिशरी ऑर्गन की। तो इसने कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, जो हमारी कंट्री की डेमोक्रेटिक वैल्यूज है ना, उनमें कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं हर्ट किया है हमारी कंट्री में जो जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है उसने, और इसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं कहीं ना कहीं उनमें स्ट्रेन एस्टैब्लिश हो गया, क्रिएट हो गया। फाइन, आई होप अब आपको जुडिशियल एक्टिविज्म, चाहे अब आपसे इसके पॉजिटिव पूछा जाए, नेगेटिव पूछा जाए, यू आर एबल टू राइट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर, आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आ जाओ, देखो यहां पर आपको एक इंस्टेंस गिवन है, उसमें क्या बोला गया है, यू आर द जज, मतलब आपको जजमेंट करनी है किसी एक पर्टिकुलर थिंग के रिगार्डिंग। अब देखो, अ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम अ सिटी हैव अप्रोच द कोर्ट, मतलब देखो एक आप क्या मान सकते हो इसको, पीआईएल के टाइप से मान सकते हो, है ना। तो एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स है, वो पहुंचा है कहां पे, कोर्ट में पहुंचा है थ्रू अ पीआईएल, आस्किंग फॉर एन ऑर्डर टू द सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटीज टू रिमूव स्लम्स।
एंड ब्यूटीफाई द सिटी इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स टू द सिटी। एक ग्रुप गया है पीआईएल को लेके कोर्ट के पास, और कोर्ट ने क्या बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को ऑर्डर दे देने चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देने चाहिए किसके लिए, कि जितना भी स्लम एरियाज है ना, जो झुग्गी झोपड़ी होती है, उनको हटा दो। और क्यों हटा दो? क्योंकि हमें सिटीज को ना ब्यूटीफाई करना, उनको सुंदर बनाना है, क्योंकि जब सिटी सुंदर होंगी तभी उसमें अट्रैक्शन इंक्रीज होगा ना, जो इन्वेस्टर्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। दे आर्ग्यू दैट दिस इज द पब्लिक इंटरेस्ट, और उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट है। क्यों पब्लिक इंटरेस्ट है? क्योंकि जो सिटी है उसकी क्लीनलीनेस एक वन पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरा, द रेजिडेंट ऑफ द स्लम लोकेलिटी हैव रिस्पॉन्डेड बाय सेइंग, अब जो उस लोकेलिटी में रह रहे हैं, उन स्लम एरियाज में रह रहे हैं, अब उन पर्सन ने क्या रिस्पॉन्ड किया है, बाय सेइंग दैट दिस विल एनक्रोच ऑन देयर राइट टू लाइफ। अब ये क्या करेगा, उनकी राइट टू लाइफ को छीन लेगा, राइट? क्योंकि देखो राइट टू लाइफ में, अब जब आप लोग राइट टू फ्रीडम भी पढ़ते हो, उसमें आप लोग क्या पढ़ते हो कि आपको कहीं भी रहने की फ्रीडम है, पढ़ते हो ना, आपको सिक्स टाइप की फ्रीडम दी जाती है, उसमें एक ये भी होती है कि आप इंडिया के किसी भी पार्ट में मतलब घूम फिर सकते हो, रह भी सकते हो। और दूसरा उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये है कि वो जो पर्सन है वो क्या बोल रहे हैं कि अगर लोकेलिटी से वो स्लम एरियाज, वो जो मतलब जो सिटी से स्लम एरियाज अगर कहीं ना कहीं खत्म होते हैं, रिमूव होते हैं, तो क्या हो सकता है, तो ये उनकी राइट टू लाइफ के अगेंस्ट एक टाइप से क्या है, हर्डल है, वो उनके राइट टू लाइफ को स्नेच कर रहा है। दे आर्ग्यू दैट राइट ऑफ लाइफ इज मोर सेंट्रल टू पब्लिक इंटरेस्ट, और वो क्या बोलते हैं कि जो राइट टू लाइफ है ना वो सबसे ज्यादा सेंट्रल पॉइंट है, क्योंकि राइट टू लाइफ नहीं बचेगा तो और कौन से राइट का इंपॉर्टेंस होगा, राइट देन द राइट टू अ क्लीन सिटी, क्योंकि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ है ना। इमेजिन दैट यू आर अ जज, राइट अ जजमेंट डिक्लाइन डिसाइडिंग इफ द पीआईएल इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट। अब आप अगर जज हो तो आप कैसे किस बिहाफ पे डिसीजन करोगे कि कौन से वाला पार्ट है जो पीआईएल में पब्लिक इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करता है। तो देखो अगर आप एक को देखते हो तो सिटीज की क्लीनलीनेस की बात हो रही है, लेकिन जो दूसरा है कहीं ना कहीं वो क्या दिखा रहा है कि लोगों की राइट्स हैं। अगर आपने मान लिया उनको स्लम एरिया से निकाल दिया फॉर भिंगा जज, क्योंकि ऑर्डर से तो कुछ भी हो सकता है ना, जुडिशरी के ऑर्डर से, बट अगर उन लोगों को स्लम एरिया से बाहर निकाल दे, सो वेयर द पीपल विल बी गोइंग, कहां जाएंगे, है ना। अगर हमें ब्यूटीफाई करना ही है और अगर ये लग रहा है कि स्लम एरियाज में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो पहले उन लोगों को दोबारा से रीसेटलमेंट करवाने के लिए कुछ प्रोविजंस होने चाहिए, उन लोगों को शेल्टर्स प्रोवाइड होने चाहिए। तो यहां पे हमारा जो एक टाइप से अगर ऑर्डर हो सकता है वो क्या हो सकता है कि हम राइट टू लाइफ नहीं स्नेच कर सकते लोगों से, है ना, लेकिन उसके साथ क्या है, अगर बहुत ज्यादा ही जरूरी है, क्योंकि स्लम एरिया से अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कुछ ना कुछ, तो क्या किया जा सकता है, पहले उन लोगों के लिए प्रॉपर रीसेटलमेंट के लिए प्रोविजंस किए जाएं। कोई ऐसा एरिया शहर में रिजर्व कर दो, ऐसी गवर्नमेंट रेजिडेंस उनके लिए बना दो कि जहां पर वो इजिली स्टे कर सके, राइट। बट अगर जब तक ऐसे प्रोविजंस नहीं हो रहे तब तक उन लोगों से राइट टू लाइफ स्नैच करना, दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट, दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सिर्फ सिटीज को ब्यूटीफाई करने के लिए हम इतने सारे लोगों के राइट टू लाइफ को स्नैच नहीं कर सकते, राइट। अकॉर्डिंग टू यू, यू कैन ऑल्सो थिंक द रैशनल आंसर, ओके। सो आई होप अब आप लोगों को यहां तक समझ आया कि क्या हमारी पीआईएल्स होती हैं, क्या हमारी जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है, जुडिशियल एक्टिविज्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म के नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, और डिसीजंस कैसे लिए जा सकते हैं, राइट। आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बट इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। 8th पार्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो, इन विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट जुडिशरी एंड राइट्स, ओके। So we will meet in next video. Till then try to revise everything because these chapters are the base of political science. Chahe aap log post graduation tak chale jana, but these chapters are the base. So try to understand each and every word, okay, and keep revising, keep learning, and most important, stay connected. Thank you. Thanks a lot.